अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज जो है हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनवर्टेब्रेट्स के अंदर स्टडी करनी है, तो इसमें हम देखेंगे कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है इसमें, अच्छा इससे पहले हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का देखा था, उसके अंदर एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है, लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसके अंदर दो तरह के पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, और इसमें जो ऑफस्प्रिंग पैदा होते हैं उसके अंदर यूनिक कम्बिनेशन होता है जीन्स का, जो कि दो पेरेंट्स से आया हुआ होता है। ठीक है, अब दो पेरेंट्स से आएगा तो वो डिफरेंट पैटर्न से कंबाइन करेगा, ठीक है, और उसके नतीजे में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी। नेक्स्ट वो कह रही हैं कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऑफस्प्रिंग होते हैं वो अपने पेरेंट्स से डिफरेंट होते हैं, और जो उनके सबलिंग्स मतलब के बहन भाई होते हैं उनसे भी डिफरेंट होते हैं, उनके अंदर मतलब के एक लिहाज से जेनेटिक डाइवर्सिटी आ जाती है। ये चीज़ अभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो ऑफस्प्रिंग है उनके अंदर नहीं होती, सेक्सुअल वालों में होती है। नेक्स्ट वो कह रही हैं कि हर जो नया इंडिविजुअल है वो कम्बिनेशन ऑफ ट्रेट्स जाहिर करता है जो कि दो पेरेंट्स से आई हुई होती हैं। तो जो दो पेरेंट्स से ट्रेट्स उनके अंदर ट्रांसफ़र हुई हैं, कुछ मदर से आई होंगी कुछ फादर से, तो ये उसका कॉम्बो होता है, उस सारों को जाहिर कर रहा होता है, क्योंकि सिंगेमी या फर्टिलाइजेशन एक गैमेट को दूसरे से मिला देती है और वो मुख्तलिफ पैटर्न से क्रोमोसोम मिलते हैं तो उनके अंदर जेनेटिक डाइवर्सिटी आ जाती है। नेक्स्ट वो कह रही हैं कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजीज़ हैं और जो स्ट्रक्चर्स हैं इनवर्टेब्रेट्स के अंदर वो यानी कि ओवरवेलमिंग है। तो नेक्स्ट वो कह रही हैं कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजीज़ हैं और जो स्ट्रक्चर्स हैं इनवर्टेब्रेट्स के अंदर वो यानी कि ओवरवेलमिंग है, सही क्लियर नहीं होती। नेक्स्ट वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का कह रही हैं कि बहुत से जो इनवर्टेब्रेट्स होते हैं जिनके अंदर स्पॉन्जेस आ जाते हैं और जो कोरल्स हैं वो आ जाते हैं, वो अपने गैमेट्स पानी के अंदर रिलीज़ कर देते हैं। ठीक है, जिस पानी में वो रह रहे होते हैं उसके अंदर रिलीज़ कर देंगे और वहाँ पर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो है होगी। फिर वो कह रही है कि इन इनवर्टेब्रेट्स के अंदर जो गुनेड्स हैं वो सिंपल ट्रांसिएंट स्ट्रक्चर्स हैं, यानी कि ट्रांसिएंट कहते हैं जो परमानेंट ना हो। ठीक है, और वो गैमेट्स को रिलीज़ करेंगे बहुत सी अरेंजमेंट के ज़रिए से, सिलोमिक डक्ट से गैमेट रिलीज़ होंगे, मेटानेफ्रीडिया से होंगे, स्पर्म डक्ट से होंगे, ठीक है, या फिर ओविडक्ट, इन सब चीज़ों से जो है गैमेट्स रिलीज़ होंगे, और यानी कि ये सारी चीज़ें सिंपल ट्रांसिएंट स्ट्रक्चर हैं। और नेक्स्ट वो कह रही हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन के बारे में कि जो दूसरे इनवर्टेब्रेट हैं जिनके अंदर फ्लैट वर्म आ जाते हैं और इंसेक्ट आ जाते हैं, ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन को इस्तेमाल करते हैं जो स्पर्म है उसे मुंतकिल करने के लिए मेल से फीमेल के अंदर, और इनके ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि फिर इस तरह के ट्रांसफ़र को फैसिलिटेट भी कर रहे होते हैं। मेल जो है इसमें स्पर्म्स पैदा होते हैं, टेस्टिस में पैदा होंगे और वो यानी कि फिर स्पर्म डक्ट में चले जाएंगे और वहाँ से वो सेमिनल वेसिकल के अंदर चले जाएंगे। फिर वो कह रहे हैं कि मेटिंग से पहले कुछ इनवर्टेब्रेट्स जिनके अंदर एरोवर्म्स आते हैं, लीचीज आती हैं और कुछ इंसेक्ट्स आ जाते हैं, वो स्पर्म्स को इकट्ठा कर लेते हैं पैकेट्स की शक्ल में, जिन्हें जो है हम स्पर्मेटोफोर्स कहते हैं। फिर वो कह रहे हैं कि जो स्पर्मेटोफोर हैं एक तो वो प्रोटेक्शन देते हैं और दूसरा ये फैसिलिटेट करते हैं ट्रांसफ़र को लार्ज नंबर ऑफ स्पर्म्स के मिनिमल लॉस के साथ। फिर वो कह रहे हैं कि जो स्पर्मेटोफोर होते हैं ये मोटाइल होते हैं और मतलब कि इंडिपेंडेंट कैरियर्स के तौर पर ये काम करते हैं। जो स्पर्म या स्पर्मेटोफोर हैं वो फिर एजाकुलेटरी डक्ट के अंदर जाएंगे और वहाँ से कॉपुलेटरी ऑर्गन जिसके तीन नाम है, पीनस है, साइरस है और गोनोपोर है, उसके अंदर चला जाएगा। जो कॉपुलेटरी ऑर्गन है वो इंट्रोमिटेंट स्ट्रक्चर के तौर पर इस्तेमाल होता है और वो यानी कि स्पर्म को जो फीमेल है उसके अंदर ट्रांसफ़र करेगा। बहुत से एक्सेसरी ग्लैंड भी होते हैं जैसे कि सेमिनल वेसिकल मेल के अंदर होते हैं जो कि सेमिनल फ्लूइड पैदा करते हैं या फिर स्पर्मेटोफोर प्रोड्यूस करते हैं। अच्छा, फीमेल के अंदर जो ओवा है ओवरीज में प्रोड्यूस होंगे, लेकिन एक बात है कि फिर वो ओविडक्ट में चले जाएंगे और स्पर्म उन्हें फर्टिलाइज करने के लिए भी ओविडक्ट में ही आएंगे। ठीक है, और नेक्स्ट वो कह रही हैं कि जो एक्सेसरी ग्लैंड होते हैं वो एग शेल पैदा करते हैं, कैप्सूल पैदा करते हैं, ये भी फीमेल के अंदर मौजूद हो सकते हैं। नेक्स्ट वो कह रही हैं कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसके अंदर फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होती है और वो जो गैमेट्स हैं वो मेल से भी आते हैं और फीमेल से भी आते हैं। बस कोई सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग इंडिविजुअल जो हैं वो यानी कि जो नॉर्मल ट्रेंड होता है रिप्रोडक्टिव मोड का उसे फॉलो नहीं करते। नेक्स्ट मिसाल के तौर पर हर्माफ्रोडाइटिज्म है। अच्छा, ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर दोनों सेक्सेस यानी कि मेल फीमेल दोनों फंक्शनल होंगी, ये ड्यूल सेक्शनैलिटी होती है, सेक्सुअलिटी होती है। नेक्स्ट वो कह रहे हैं मोनोइशियस सिंगल हाउस। फिर वो कह रहे हैं कि कुछ हर्माफ्रोडाइट्स जो हैं फर्टिलाइज खुद को करते हैं और कुछ जो हैं एक ही स्पीशी के दूसरे मेंबर के साथ भी यानी कि ज़्यादातर क्रॉस फर्टिलाइजेशन करेंगे जैसे कि अर्थवर्म और सेसलग करते हैं, लेकिन कुछ खुद को ही फर्टिलाइज करते हैं। फिर वो कह रहे हैं कि जब ये होता है
तो हर एनिमल मेल फीमेल दोनों के तौर पर काम कर रहा होता है, स्पर्म को डोनेट भी करेगा, रिसीव भी करेगा। फिर वो कह रही हैं कि ये सिसाइल एनिमल्स जैसे कि बर्नकल जो हैं उनके लिए अहम है, जिन्हें बहुत कम अपोजिट सेक्स का सामना करना पड़ता है, तो वो खुद को ही फर्टिलाइज करते रहते हैं। नेक्स्ट हमने देखनी है सिक्वेंशियल हर्माफ्रोडाइटिज्म, जो यानी कि एक सीक्वेंस के तहत होती है। फिर वो कह रही हैं कि जब एक एनिमल जो होता है इसमें उसकी एक सेक्स काम कर रही होगी एक फेज के दौरान लाइफ साइकिल के, और जो दूसरी फेज है उसमें यानी कि दूसरी सेक्स काम कर रही होगी प्रोटोगाइनस, इसमें पहले फीमेल होगा फिर मेल बन जाएगा। प्रोटेंट्रस, इसमें मेल होगा और उसके बाद फीमेल बन जाएगा। नेक्स्ट वो कह रही हैं कि जो चेंज आता है सेक्स रेशियो में पॉपुलेशन के, वो एक फैक्टर है जो कि सिक्वेंशियल हर्माफ्रोडाइटिज्म, चेंज जो सेक्स रेशियो में आता है ये एक अहम फैक्टर है जो कि सिक्वेंशियल यानी कि मेल ज़्यादा है या फीमेल ज़्यादा है, तो ये कैसा फैक्टर है जो कि सिक्वेंशियल हर्माफ्रोडाइटिज्म कराएगा, और ये ऑस्टर में कॉमन है, ये जो है बाइवाल्व मोलस्क से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट हमने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखने हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, तो इसमें वो कह रही हैं कि न्यू कम्बिनेशन ऑफ ट्रेड्स वो ज़्यादा रिपीटली अराइज होता है सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग इंडिविजुअल में, क्योंकि उनके अंदर मुख्तलिफ जेनेटिक रिकम्बिनेशन होते हैं। फिर वो कह रही हैं कि जो जेनेटिक डाइवर्सिटी होती है वो यानी कि स्पीशीज सर्वाइविंग का चांस बढ़ा देती है। अब डाइवर्सिटी आ गई, पहले वो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नहीं था, लेकिन अब डाइवर्सिटी आ जाने से इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हो गया, तो ये सर्वाइवल बढ़ा देगी और नया कम्बिनेशन जो है ट्रेड्स का ये अराइज होता है, न्यू ट्रेड्स जो आती हैं सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग इंडिविजुअल्स में आएंगी, क्योंकि उनके तो डिफरेंट जेनेटिक कॉम्बो होंगे। तो हमने क्या देखा, नई ट्रेड्स आएंगी और यानी कि सर्वाइव कर सकता है, और इसके अलावा ये एवोल्यूशन की बुनियाद है। डिसएडवांटेजेस ये है कि एग्जैक्ट कॉपी जीन की ट्रांसफर नहीं हो सकती, रीअसॉर्टमेंट होती है मेटरनल और पेरेंटल क्रोमोसोम की, अडेप्टेशन आती है। फिर वो कह रही हैं कि बहुत से गैमेट जो कि रिलीज होते हैं वो फर्टिलाइज ही नहीं होते, यानी कि एग्जैक्ट कॉपी ट्रांसफर नहीं हो सकती, डिफरेंट मिक्सिंग होगी मेल फीमेल की। और नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि बहुत से गैमेट जो कि रिलीज हो गए वो यानी कि फर्टिलाइज ही नहीं होंगे, तो यहाँ से प्रॉब्लम क्रिएट होता है। अब वो फर्टिलाइज नहीं होंगे तो उसके नतीजे में क्या होगा कि वो जो एक मेटाबॉलिक एफर्ट थी वो वेस्ट हो गई है, तो बहुत से गैमेट्स फर्टिलाइज ही नहीं हुए, मेटाबॉलिक एफर्ट जो थी वो वेस्ट हो गई है, एग्जैक्ट कॉपी ट्रांसफ़र नहीं हो सकती, रीअसॉर्टमेंट होती है मुख्तलिफ गैमेट्स की। नेक्स्ट जो है हमने देखना है, बल्कि ये नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे, इसके साथ ही हम अपना लेक्चर एंड करते हैं। मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलें, मिलते हैं नेक्स्ट किसी टॉपिक के साथ, अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।